या गाइस यार, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोग इतने आखिर परेशान क्यों हो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग को के ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं जो लग रहा है कि यार काफ़ी परेशान हैं। यार प्लीज़, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ यार आप परेशान मत हो। काम आपको नहीं मिल पा रहा, मैं समझ सकता हूँ। यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोज़ देख रहे हैं, उन पे अप्लाई भी कर रहे हैं, कुछ जगह आपको काम भी मिला लेकिन पेमेंट नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ यार, जब अर्निंग नहीं होती तो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, कितना ज़्यादा दुख होता है। अब ये वीडियो भी आप सिर्फ इसी उम्मीद से देख रहे हैं कि यार काश इस वीडियो से कुछ ना कुछ मिल जाए। तो यार बिल्कुल आप सही वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग से आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी पॉकेट मनी यहाँ से चल जाएगी, यहाँ से कुछ ना कुछ आप अर्निंग करके जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जब आप कोई काम पकड़ते हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप काम नहीं करते या आप काम करना नहीं चाहते, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ मेरी वीडियो नहीं, मेरे अलावा आपने और यूट्यूबर्स की भी वीडियो देखी होंगी। जब आप कोई वीडियो देखते हैं, उस वेबसाइट या उस ऐप पर जाकर अप्लाई करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो आप ज़्यादा दिन काम नहीं करते क्योंकि शायद आपको एक काम को कर कर बोरियत हो जाती है, या आपको लगता है कि यार यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए आप उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। किसी भी काम को जब आप एक बार पकड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको लॉन्ग टर्म में करने की, क्योंकि देखिए जब आप कोई काम ज़्यादा देर तक करते हैं तभी आपको एक्सपीरियंस भी आता है, तभी आपकी अर्निंग होनी भी शुरू होती है। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई काम किया और आज ही आपकी अर्निंग हो जाएगी। किसी भी फील्ड के अंदर जब आप कोई काम करते हैं, काम करने के नेक्स्ट मंथ में आपको उसकी सैलरी मिलती है। उसी तरह से कोई भी काम जब आप कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, पहले आपको काम करना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलनी शुरू होती है। लेकिन आप शायद, आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप काम तो करते हैं लेकिन एक दो दिन में ही उसको छोड़कर किसी दूसरे काम पे लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को कंटिन्यूसली करते रहिए। हाँ, साथ में और कोई भी काम कर सकते हैं लेकिन उस काम को आप मत छोड़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अर्निंग 101% होगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक टाइपिंग की ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ पर आपको काम करने पर अच्छा खासा पैसा मिलता है। लेकिन बात फिर वही घूम कर आ जाती है कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। यहाँ पर जो स्टार्टिंग है, यानी कि जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं या पहली बार जॉब करना चाह रहे हैं, अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको, यहाँ से अगर वो 300 वर्ड लिखते हैं, 300 वर्ड अगर मैं कैलकुलेट करूँ इन्हें एवरेज, तो लगभग 1.5 से 2 पेज होते हैं। अगर आप 300 वर्ड टाइप करते हैं तो यहाँ पर ये वेबसाइट लगभग आपको $3 देती है, जो कि होता है लगभग 230 रुपये के आसपास। तो अगर आप 300 वर्ड टाइप कर कर 230 रुपये आपको स्टार्टिंग में मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। खाली है, आपको मन लगा के काम करना है। देखो यार, सीधी सी एक चीज़ मेरी आप समझिए, कोई भी जब आपको कोई वेबसाइट या ऐप बताता है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग उस वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी वेबसाइट पे वैकेंसीज निकली हैं, यानी कि वहाँ पर 50 लोगों की ज़रूरत है और 5,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो सबको तो काम नहीं मिल सकता। इसी तरह वेबसाइट पर भी होता है, ऑनलाइन अर्निंग पर भी होती है, सबको काम नहीं मिल सकता। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप हर जगह ट्राई कीजिए, जहाँ से आपको काम मिलना शुरू हो जाए उस जगह आप काम कीजिए। अब हम भी यार देखिए, वीडियो बनाते हैं, आपको बताते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको बता और आपको काम मिल ही जाएगा। ट्राई तो आपको करना होता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहाँ पे अगर 100 लोग हैं और वहाँ पे जो ज़रूरत है आपको नहीं पता कितने लोगों की है, फिर भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि या वो कंपनी फेक हो गई है या आप दोबारा से इंटरव्यू नहीं देंगे। कोशिश आपको करते रहनी है, क्योंकि अगर आप डिज़र्व करते हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर आपको जानकारी है, तो फिर आपको काम देने से कोई नहीं रोक सकता।
देखिए किस्मत का भी फैक्टर होता है, कभी कभी किसी को काम जल्दी मिल जाता है, कभी कभी किसी को काम लेट मिलता है, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो काम आपको मिल जाएगा, ये श्योरिटी मैं देता हूँ। और साथ ही देखिए YouTube पे अगर आपको पैसा कमाना है, YouTube की वीडियो तो आप देख रहे हैं, अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए मैंने एक अपना चैनल भी शुरू किया था, जहाँ पे जो भी यूट्यूबर्स हैं उनको मैं प्रमोट करता हूँ, उनको वहाँ पे मैं सपोर्ट करने के लिए ही मैंने वो चैनल ओपन किया था। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा या अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वो चैनल है क्रिएट ग्रो अर्न, सिर्फ आपका चैनल है, तो आप उस चैनल पर जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब वहाँ पर आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगे जो आपको बताएंगी कि आपको अर्निंग कैसे करनी है। वहाँ पे भी अर्निंग की अलग अलग आपको वेबसाइट्स बताई जाएंगी, ऐप बताए जाएंगे, साथ में ही यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी, ताकि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाना है ये भी आपको बताया जाए। यार मैं चाहता हूँ आप सबकी अर्निंग हो, किसी भी तरीके से हो, तो मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। जिनका यूट्यूब चैनल है तो आपको बस जो चैनल है मेरा डिस्क्रिप्शन में उसको सब्सक्राइब कर लेना है, अपने कमेंट्स करने हैं, आपके हर कमेंट्स का जवाब मिलेगा, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब मैं बिना देरी किए सीधे आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूँगा, आज की इस जॉब के बारे में आपको बताऊँगा, इस वेबसाइट के बारे में आपको बताऊँगा। उससे पहले यार मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए रेड कलर का एक बॉक्स उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया सिर्फ आपको टाइपिंग करनी है, कोई बड़ा इशू नहीं है। साथ ही क्योंकि देखिए आप पहली बार इस चैनल पर आए होंगे, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आपके लिए एक यहाँ पर सरप्राइज़ भी है जो कि है गिववे का। यहाँ पर हमारी तरफ से आपको गिववे मिलता है, जब वीडियो स्टार्ट हुई है, जब वीडियो एंड होगी तो आपको अलग अलग जगह टेक्स्ट दिखाई देंगे, सिंपली आपको उन टेक्स्ट को एक सीक्वेंस में लिख देना है, क्योंकि वो टेक्स्ट जो होंगे जंबल होंगे, आगे पीछे होंगे, आपको उनको एक सीक्वेंस में लिखना है, एक वर्ड बनाना है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। जो सबसे पहले सही जवाब आएगा वो हमारी तरफ से लकी विनर होगा, उसको हमारी तरफ से 50 रुपये का पेटीएम कैश आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। तो आपको देरी नहीं करनी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और जो टेक्स्ट हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अब बिना देरी के सीधे चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर, समझाता हूँ पूरा प्रोसेस। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। गाइज ये वेबसाइट यूट्यूब पे अब तक किसी ने आपको ये वेबसाइट नहीं बताई होगी, पहली बार ये YouTube को मैं यहाँ पे वेबसाइट को सर्च करके सिर्फ आपके लेके आया हूँ, जहाँ पर आप टाइपिंग का काम कर अगर हम ईयरली की बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पे पैसा आप कमा सकते हैं। गाइज ये बिल्कुल 100% जेन्युइन वेबसाइट है। तो अभी मैं बात करता हूँ, देखिए इस वेबसाइट की मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑफर करते हैं आपको अर्न करने का $13,500 के अंदर 13,500 से 27,000 पर ईयर। अगर हम इसको इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करें तो लगभग 60-70 हजार रुपये महीना यहाँ पे इजीली आप कमा सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप उस लेवल पे काम कर पाए टाइपिंग का। अब हम नीचे आते हैं, देखिए इस वेबसाइट की सबसे बड़ी खासियत देखिए क्या है कि यहाँ पे पूरी डिटेल्स में सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे जो है गारंटीड वर्क आपको मिलता है, आपको जो है पर मंथ की अगर ये बात करें तो यहाँ पे $1,125 का आपको पर मंथ तो काम मिलता ही मिलता है, ये एक मिनिमम यहाँ पर अमाउंट है। अगर हम इंडियन रुपीज में अगर इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 50 से 60 हजार रुपए का काम यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसमें से कितना काम कर पाते हैं, तो मींस कि यहाँ पर काम की कोई कमी नहीं है, काम बहुत सारा है, करने वाला होना चाहिए गाइस। हम देखिए अब बात करते हैं ऑनलाइन जॉब्स है, फुल टाइम वर्क है आपके लिए, पूरा टाइम आप इसमें काम कर सकते हैं इजिली, कोई भी इशू नहीं होगा। पे रेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पे रेट्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि टाइपिंग वर्क है तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो इंडस्ट्री के अंदर किसी भी और कंपनी से सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो आप इजीली यहाँ पे इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। अब हम देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए लेवल है अलग अलग और यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर आपका जो है पर वर्ड प्राइस है और एस्टिमेट अर्निंग पर आर्टिकल है। अगर हम बात करें जैसे क्योंकि अभी आप नए नए ज्वाइनिंग होंगे, आप एज ए बिगिनर इसमें काम करेंगे तो आपका जो पर वर्ड प्राइस होगा वो होगा 0.010, तो लगभग $0.010 यहाँ पे आपका पर वर्ड प्राइस होगा। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो वो होगा लगभग $3 से लेकर आपका $3 होगा आपका लगभग 300 वर्ड का एक पेज के अंदर, तो $3 का अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग आपका 200 सवा 200 रुपए के आसपास होता है एक पेज का, जिसमें कि 300 वर्ड होते हैं।
जब आप बिगनर से थोड़ा एक लेवल ऊपर पहुंच जाते हैं इंटरमीडिएट में, तो वहां पे देखिए आपका फिर 3 रुपए 60 पैसे, इसी तरह से बढ़ता रहता है। प्रोफेशनल एक्सपर्ट आप हो जाते हैं तो ये अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिलहाल अभी हम बिगनर्स के रूप में ही इसमें जुड़ रहे हैं, तो हम बिगनर्स के ही अमाउंट को लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए पर पेज रेट क्या है इनका, $3, जैसे मैंने बताया कि पर पेज रेट इनका $3 है। एक्सपेक्टेड कंप्लीटेड टाइपिंग वर्क है 15 पेजेस पर डे यहाँ पे आपको मिलते हैं, जो कि आपके लिए 6 घंटे 1 दिन का यहाँ पे इजीली होता है कि 6 घंटे में आप वो पूरा कर लेते हैं। अगर हम बात करें, अगर 6 घंटे आप काम कर रहे हैं, 15 पेज अगर आप कर ले रहे हैं, तो लगभग $3 के हिसाब से $45 यहाँ पे आपके बन जाते हैं 1 दिन के अंदर। अगर हम $45 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, तो लगभग यहाँ पे आपके 2,500 से 3,000 रुपये आप 1 दिन में इजिली यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन देखिए गैस काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम के लिए देखिए कोई भी वेबसाइट आपको पैसा नहीं देती है। अब हम बात नीचे करें तो यहाँ पे देखिए बिगिनर, जैसे मैंने बताया कि इजिली यहाँ पे $45 पर डे यहाँ पे कमा सकते हैं। तो अगर हम इसको 25 से भी अगर कैलकुलेट करते हैं, अगर आप छुट्टी भी करते हैं तो 25 से कैलकुलेट करते हैं महीने की, तो $1,125 यहाँ पे डॉलर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, देखिए रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या है। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इंटरनेट और इंग्लिश की, क्योंकि देखिए इंग्लिश में सारा काम होगा तो आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। मिनिमम जो आपकी स्पीड है वो 30 to 50 words per minute टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। तो गाइस 30 मिनिमम वर्ड्स है, तो इजिली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए मोबाइल पे ये काम नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको कंप्यूटर लैपटॉप होना जरूरी है। हम देखिए यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका कम से कम आप 16 साल के होने चाहिए, और आपने कम से कम सेकेंडरी और हाई स्कूल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो 10th पास 12th पास भी इसको आराम से इजिली कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं नीचे, तो देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे देखिए क्या है। रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ना ज्वाइनिंग के पहले ना ज्वाइनिंग के बाद में। ये जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं करवाते हैं किसी भी स्टेज पे, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, कोई भी अमाउंट यहाँ पे आपको नहीं देना। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टाइपिंग डेमो वर्क भी आपका होता है। मान लीजिए जैसे आपने अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद एक ऑनलाइन डेमो वर्क होगा आपको दिया जाएगा, आपको टाइपिंग करके उनको देना होगा, वो रिव्यू करते हैं इसका। ठीक है, अब हम बात करें पेमेंट टर्म्स एंड ऑप्शंस, क्योंकि देखिए काम तो आप कर लेंगे, उसके बाद मेन क्वेश्चन ये आता है कि पेमेंट कैसे होती है। देखिए आपकी जो एक्यूरेसी है वो होनी चाहिए 98 से 99 के बीच में, क्योंकि एक्यूरेसी ये मांगते हैं, तो एक्यूरेसी इतनी आपकी होनी चाहिए, 98 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 98 से नीचे होती है तो फिर आपका जो पेमेंट है वो आपका होल्ड हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक्यूरेसी इतनी रखनी ही रखनी है। अब सिंपली देखिए अप्लाई नाउ का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप स्टेप दिए गए हैं कि कैसे कैसे आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहले है सिलेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट करना है। स्टेप 2 में आपको जो है कंप्लीट करना है एज पर गाइडलाइन, यहाँ पे जो है आपको जो फॉर्म मिलेगा उसको कंप्लीट करना है। स्टेप 3 है सबमिट और सेंड इट टू अस, स्टेप 3 में उसको आपको जो है सबमिट कर देना है और इनको सेंड कर देना है। स्टेप 4 में देखिए कंप्लीट योर डेमो प्रोजेक्ट, आपको एक डेमो काम मिलेगा उसको आपको कंप्लीट करना है। स्टेप 5 में रिव्यू होगा, आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो रिव्यू होगी। रिव्यू होने के बाद अगर आपका रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आपका एक इंटरव्यू भी होगा, जो कि ऑनलाइन ही होगा, आपको कहीं जाना नहीं होगा, ऑनलाइन ही आपसे बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ईजी होंगे। उसके बाद देखिए फाइनल डिसीजन होगा और यहाँ पे फिर आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए स्टेप 1 की, जो कि है हमारा यहाँ पे देखिए स्टेप 1 सबसे ऊपर यहाँ पे है। स्टेप 1 ये है कंप्लीट एज पर गाइडलाइन, आपको सिंपली स्टेप 1 पे जाना है, ये है स्टेप 1। ठीक है, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि काफी जो है यहाँ पे एक एक चीज बहुत बारीकी से दी गई है, अगर आप वीडियो स्किप करके आगे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये स्टेप 1 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको जो है बताया जाएगा, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी डिटेल्स आ जा रही हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जैसे मैंने बताया कि वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है गाइस, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप है, अगर आप एक भी चीज मिस करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म 2 तरीके का है, एक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एक है ऑफलाइन।
अभी हम क्योंकि ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन चूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन करना तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जो कि आपके एक्सेल में सेव हो जाएगा, उसको आप वहां से भी सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देखिए उनका जो है पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन योर डिटेल्स टू अप्लाई एंड वर्क विद अस। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फाइनल जो फॉर्म होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको आपके फॉर्म की डिटेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि देखिए पेज लोडिंग हो रहा है। जैसे ही ये पेज लोड हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास फॉर्म की डिटेल्स आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्म की डिटेल्स आ गई हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपको एक्सपेक्ट पे क्लिक करना है। एक्सपेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए नीचे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, रेजिडेंस कहाँ से, किस स्टेट, आप किस कंट्री से हैं, जिप कोड आपको डालना है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको आपको डालनी है, जॉब टाइटल आपका क्या है, डेटा एंट्री वर्क है, टाइपिंग वर्क है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। टाइम देखिए व्हाट टाइम इज बेस्ट फॉर यू, कौन सा टाइम आप सब आपके लिए बेस्ट है जिसमें आप काम करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। पेमेंट आप कैसे लेना चाहते हैं, पेपल, पाइनियर, वायर, डिस्ट्रिक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट या स्क्रिप्ट। डायरेक्ट डिपॉजिट पे आप क्लिक करते हैं तो ये सीधे आपके अकाउंट्स में आप ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ पे वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप देखिए टर्म्स ऑफ सबमिशन है, करंट प्रोफेशनल स्टेटस आपका क्या है, हाउस वाइफ है आप, स्टूडेंट्स हैं, रिटायर्ड है, फुल टाइम एम्प्लॉई है, पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, तो ये सभी के लिए है। अगर आप खाली है तो भी इस काम को कर सकते हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, हाउस वाइफ, स्टूडेंट्स, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद देखिए सिंपली यहाँ पे आई एग्री का है, इसको ये आपको यस कर देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, मीन्स कि आपको टाइप करना है अपना नाम, यहाँ पे आई एम नॉट ए रॉबोट पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। ये फॉर्म एक बार फिल करके मैं आगे का प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए जैसे ही आप उस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो जाता है कि अब हमारा जो ये फॉर्म है ये सबमिट हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, वी विल बी इन टच सून, मीन्स कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर दिया है, अब आपके पास जो है आपके पास या तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा या कॉल आएगी, या फिर आपने जो ईमेल एड्रेस डाला है उस ईमेल एड्रेस पे इस कंपनी की तरफ से आपको मेल आएगा। फिर आगे का प्रोसीजर उसके बाद स्टार्ट होगा, वहां से आपको जो है डेमो वर्क मिलेगा। देखिए सीधी सी एक कंपनी ने एक पॉलिसी यहाँ पे रखी हुई है कि यहाँ से आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, जो सिलेक्शन होगा वो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आपका जो परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी स्पीड कैसी है, आपकी जो है कितनी नॉलेज है, ये सारी चीजें टेस्ट की जाती है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे काम मिलता है। जो डेमो वर्क मिलेगा उसको आपको भी कंप्लीट करना होगा। तो गैस यार इस एप्लीकेशन फॉर्म में जल्दी से जल्दी भरकर सबमिट कर दीजिए, हो सकता है कि यहाँ पे आपका लक भी साथ दे जाए और आपको यहाँ पे काम मिल जाए, क्योंकि आपकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, आपको जो है सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करना है और आपको यहाँ से काम मिलने में कोई भी परेशानी मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट हो या कोई परेशानी हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता। तो गैस देखा आपने कैसे मैंने आपको कोशिश करी है सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में बता सकूँ, फिर भी लगे यार आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ रह गई है या अभी आपके मन में कोई डाउट हो, तो यार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखेगा, आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर देता हूँ, आपकी हर प्रॉब्लम का जवाब मैं वहाँ पर ज़रूर देता हूँ। मुझसे कोई अगर पर्सनल सवाल आप पूछना चाहते हो, कोई पर्सनल हेल्प चाहते हो, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको आपकी हेल्प ज़रूर करता हूँ। साथ में देखिए वीडियो एंड होने वाली है, तो अगर आप अब गिववे जीतना चाहते हैं तो सिंपल सा जो टेक्स्ट आपने देखे होंगे उनको एक सीक्वेंस में लिखकर वर्ड बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको ₹50 का पेटीएम कैश मिल जाए। तो मिलता हूँ यार फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।